Hello everyone, the topic of today's video is adjusting entries. So viewers, हम accounting पढ़ रहे हैं, हमें ये पता होना चाहिए कि accounting का purpose क्या है. Accounting का जो major purpose है वो है preparation of financial statements. किसी भी business क्या को करने का जो purpose है वो ये है कि हम पता लगा सकें कि हमारे एक साल में क्या performance रही है, वो show करती हैं financial statements. ये आपके सामने नज़र आ रहा है. लेकिन ये fifth step है. बिफोर कमिंग इन टू दिस स्टेप मुझे चार स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं. जनरल लेजर, ट्रायल बैलेंस, एडजस्टिंग एंट्रीज एंड देन बनती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. तो ये तीन स्टेप्स तो हम अपनी तीन पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं. आज की जो वीडियो होगी वो एडजस्टिंग एंट्रीज पर मबनी होगी और मैं आपको सिखाऊंगा एडजस्टिंग एंट्रीज. स्टे ट्यून्ड विद मी एंड लर्न वेल. सो स्टूडेंट्स, What are adjusting entries? Adjusting entries होती क्या हैं? आपको याद है हमने लास्ट वीडियो में एक ट्रायल बैलेंस बनाया था और उसमें कुछ बैलेंसेस डेबिट और क्रेडिट के हमने फाइनल किए थे. याद रखिए ये बैलेंसेस टेम्प्रेरी इनकम्प्लीट बैलेंसेस हैं. जब तक एडजस्टिंग एंट्रीज इनकॉर्पोरेट नहीं होंगी वो बैलेंसेस फाइनल नहीं होंगे. तो होगा क्या, बेसिकली आपका साल ख़त्म होता है 31 दिसंबर पे. हर साल 31 दिसंबर पे आपका अकाउंटेंट आपके पास आके कह रहा है, सर जो बैलेंसेज आपने फाइनल किए हैं ये फाइनल नहीं है, कुछ एक्सपेंसेस और कुछ रेवेन्यूज यानी कुछ इनकम्स रिकॉर्ड नहीं हो सकी जो अब हम 31 दिसंबर पे रिकॉर्ड करने जाएंगे. जब आप उन एंट्रीज को बना लेंगे और पास कर देंगे और उन बैलेंसेज में ऐड करेंगे तब जो बैलेंसेज आएंगे वो बैलेंसेज फाइनल होंगे और हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में पोस्ट होंगे. तो मैं आपको आज तीन किस्म के एक्सपेंसेस और कुछ रेवेन्यू की एंट्रीज बनाना सिखाऊंगा जिसे हम कहते हैं एडजस्टिंग एंट्री, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि क्यों ये पास होती है, उसकी रीज़न क्या होती है. सो द फर्स्ट वन इज डेप्रिसिएशन एक्सपेंस. देखिए आप कोई भी चीज़ ख़रीदते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक मशीन ख़रीदी है वो 1 लाख रुपीज़ की है और इसकी जो लाइफ है वो 10 साल है. तो ये मशीन आज 1 लाख रुपए की है लेकिन 31 दिसंबर पे ये 1 लाख की नहीं रहेगी, कुछ ना कुछ वैल्यू लूज़ कर देगी अपनी. वो हमारा एक एक्सपेंस होता है. मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ, आपने एक गाड़ी ख़रीदी, वो गाड़ी आपको 10 लाख की पड़ी, लेकिन क्या वो गाड़ी आज से 10 साल बाद भी 10 लाख रुपए की होगी? नहीं, वो अपनी वैल्यू लूज़ करती रहेगी और उसकी मार्केट वैल्यू बहुत नीचे आ जाएगी. इसे ही कहते हैं डेप्रिसिएशन. इसकी एक एडजस्टिंग एंट्री पास होती है 31 दिसंबर को. ठीक है, एंट्री क्या है मैं आपको बताता हूँ. डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन क्रेडिट 10,000 से. ये हमारी पहली एडजस्टिंग एंट्री है जो आपको हमेशा पास करनी होगी. ऑलराइट, द सेकंड एडजस्टिंग एंट्री इज प्रीपेड. सो व्यूअर्स, प्रीपेड होता क्या है? आई नो आप सब ने अपने मोबाइल में मोबाइल कार्ड चार्ज किया होगा, उसे प्रीपेड कार्ड क्यों बोलते हैं? कभी सोचा है आपने क्यों? क्योंकि आप 100 रुपये एडवांस में पे कर देते हैं और होता क्या है, वो 100 रुपये नहीं रहता, वो आहिस्ता आहिस्ता आपका बैलेंस कंज्यूम होता रहता है और आपका एक्सपेंस होता रहता है. इसी एग्जाम्पल को अगर मैं कंपनी के लेवल पर लेके जाऊँ तो एक कंपनी ने एक जगह रेंट पर ली और उसका रेंट जो है वो एडवांस रेंट वो पे किया 1 लाख रुपीस. ठीक है, लेकिन ये रेंट था 5 इयर्स के लिए. ठीक है, आपका अकाउंटेंट आपके पास आया 31 दिसंबर को और उसने बोला, सर अभी तक प्रीपेड एडवांस रेंट की एंट्री नहीं पास हुई. ठीक है, अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक एक्सपेंस रिकॉर्ड करना पड़ेगा. आपका एसेट कम हो जाएगा, एक्सपेंस बढ़ जाएगा. तो मैं इसकी एंट्री बनाने जा रहा हूँ. इसकी एंट्री ऐसे बनेगी कि आप प्रीपेड रेंट एक्सपेंस
डेबिट करेंगे, इसको इससे डिवाइड करके आप अमाउंट निकालेंगे 20,000 की, यानी आपका एक्सपेंस हो गया 20,000 का 100 में से, और आपका जो प्री पेड रेंट जो आपका एसेट था वो कम हो गया 20,000 से। अब आप एक चीज नोट कीजिएगा, आपका प्री पेड 1,00,000 रुपए नहीं रहा, आपका प्री पेड 20,000 से कम होके अब आपका बैलेंस बचा हुआ है 80,000। तो ये हमारी सेकेंड एंट्री थी। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट द थर्ड एडजस्टिंग एंट्री व्हिच इज अनअर्न्ड रेवेन्यू। सो स्टूडेंट्स, अनअर्न्ड रेवेन्यू है क्या? लेट मी गिव यू अ वेरी वेरी लोकल एग्जाम्पल। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ट्यूशन पढ़ाते होंगे, होम ट्यूशंस। तो अब आपने क्या किया, आपने एक फैमिली से, उसके बच्चे से आपने 10,000 रुपीज एडवांस ले लिया। जब आपने ये एडवांस लिया तो इसकी उस वक्त आप एंट्री क्या बनाएंगे, आपकी जेब में कैश आया, कैश इज एन एसेट, एसेट बढ़ गया, आपने डेबिट कर दिया। क्रेडिट क्या होगा, सोचने की बात है। बेसिकली आपने ये किया कि आपने अपने ऊपर एक जिम्मेदारी ले ली कि मैं इसको ट्यूशन पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी पढ़ाई नहीं है, एडवांस में फीस उठा ली है, तो आपके ऊपर एक लायबिलिटी आ गई, आपके ऊपर एक उधार आ गया, आपके ऊपर एक ऑब्लिगेशन आ गई कि आपने वो सर्विसेज देनी है। तो इसकी दो एंट्रीज बनती हैं। पहली एंट्री इसकी ये बनती है कि आपने कैश तो ले लिया, सर्विसेज नहीं दी, रेवेन्यू भी रिकॉर्ड नहीं होगा, अभी अनअर्न्ड रेवेन्यू है, अभी तक अर्न नहीं हुआ। दिस इज द फर्स्ट एंट्री, ठीक है। फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम आप ट्यूशन पढ़ाते रहेंगे तो होगा क्या, आपकी लायबिलिटी कम होती रहेगी, लायबिलिटी जब डिक्रीज होती है तो डेबिट होती है, याद है आपको। और जूं जूं आपकी लायबिलिटी कम होती रहेगी, रेवेन्यू बढ़ता रहेगा, और रेवेन्यू जब बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, ठीक है। इसी लोकल ट्यूशन एग्जाम्पल को अगर हम कंपनी ऊपर अप्लाई करें तो कंपनी बहुत सारे काम एडवांस में कर रही होती है, एडवांस में कैश ले लिया, सर्विसेज अभी नहीं दी, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, देखें। एंट्री वन, जब आपने कैश रिसीव किया तो कैश डेबिट 1,00,000 से, और अभी आपने सर्विसेज नहीं दी, अभी आपका रेवेन्यू अनअर्न्ड है, तो आपने एक लायबिलिटी बुक कर ली, इसका नाम है अनअर्न्ड रेवेन्यू। बाय 1,00,000, ठीक है। अब क्या हुआ, दिसंबर 31st को आपका अकाउंटेंट आपके पास भागते हुए आया और उसने बोला कि सर अभी आपने एक एंट्री पास नहीं की जिसका नाम है एडजस्टिंग एंट्री, वो अब हम पास करने जा रहे हैं। दिस वॉज नॉट द एडजस्टिंग एंट्री, ये तो जब आपने पैसा लिया था उस वक्त एंट्री बन चुकी थी। अब आपके पास 31st दिसंबर को आपका अकाउंटेंट आया और उसने बोला कि अब आप एक एडजस्टिंग एंट्री पास करें और रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लें, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, बेसिकली देखें, ये लायबिलिटी है, जब बढ़ी तो क्रेडिट हुई, जब ये लायबिलिटी कम होगी तो ये डेबिट होगी, ठीक है। तो मैंने इसको डेबिट कर दिया, बाय 20,000, 20,000 रुपये बेसिकली मैंने 20,000 की सर्विसेज दे दी थी। अब क्रेडिट क्या किया जाए एंट्री को पूरा करने के लिए, तो अब मैं अपना सर्विस का रेवेन्यू क्रेडिट कर दूंगा, तो इस तरह से मेरी ये एडजस्टिंग एंट्री पास होगी, ठीक है। मेरा जो लायबिलिटी का क्रेडिट था वो 1,00,000 था, डेबिट था वो 20,000 था, तो मेरा लायबिलिटी का जो बचा हुआ बैलेंस है वो 80,000 है, और मेरा रेवेन्यू भी रिकॉर्ड हो चुका है 20,000 से। तो ये हमारी थर्ड एडजस्टिंग एंट्री थी जिसमें हमने अनअर्न्ड रेवेन्यू देखा। आई होप आपको समझ में आई। सो स्टूडेंट्स, दिस वॉज ऑल अबाउट एडजस्टिंग एंट्रीज टूडे। टूडे वी हैव टॉट यू ऑल द एडजस्टिंग एंट्रीज दैट आर पास्ट इन अकाउंटिंग। We are done with our fourth step and now we are ready for the preparation of financial statements which will be covered in my next accounting video. So do check out my next video. But wait for a second. Are you subscribing my channel? मैंने बहुत मेहनत की है यार, तू भी कर ले अब, पढ़ ले अब।